राधे राधे मेरे आर्ट लवर्स, कैसे हो आप? तो देखिए, अगर आपके पास भी ऐसी ऊन बची हुई है थोड़ी थोड़ी करके, तो ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हो। ये मैंने टेबल कवर बनाया है, इसे आप मल्टीपर्पज़ का ही भी यूज कर सकते हो। किसी भी डाइनिंग टेबल पे डाल सकते हो, या बेड के सेंटर पे डाल सकते हो, या बेड की प्लेन बेड शीट पे भी आप इसको टक करके, तो सेंटर का पॉइंट बन जाएगा आपका। तो देखिए, ये पहले मैजिकल रिंग बना ली मैंने, तो उसके बाद हमने धागे को बस इस तरह से ये देखिए इस तरह ये हमने 3 चेन लेनी है। ये पक्का हो गया हमारा, 1 2 3। अब यहाँ पे हमने 3 चेन के बाद डबल क्रोशिया लेने 12। अब इस धागे को खींच लेंगे हम, तो ये हमारे 12 डबल क्रोशिए हो गए। और अब हम इसको यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिट से स्लिपिंग स्टिच से इसको इस तरह से कर देंगे। ये हमारा राउंड आ गया। अब हमने 3 चैन लेनी है, 1 2 3। 3 चैन लेके फिर एक इसी में से हमने लेना है डबल क्रोशिया। दो हो गए अभी हमारे, 3 चैन और ये डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब हमने 2 चैन लेनी है, 2 चैन लेके फिर हमने ये देखिए यहाँ पे 2 1 2, ये तीसरे में लेना हमने, ये एक छोड़ के, ये एक हॉल छोड़ के तीसरे में लेना है। तो 2 लेने हमने ये एक में ही, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, उसके बाद फिर एक छोड़ के, देखिए ये वाला छोड़ के इसमें लेंगे। तो इस तरह से बुनना है हमने इसको, इसमें एक में 2 लेने हमने। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए इस तरह से फिर हमने 2 चैन लेनी है, फिर एक छोड़ के चैन दूसरी में लेना है। तो इस तरह हमने इसको बुनना है, पूरा राउंड पूरा करना है। तो यहाँ लास्ट में हम स्लिपिंग स्टिच से इस तरह इसको बंद कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, 3 चैन लेनी है, धागा निकल गया, 2 3 चैन। तो ये हमारा जो ये हॉल है इसको ध्यान से देखना आपने, 2 वाला है, 2 जो लिए थे हमने, तो इसमें हमने क्या करना है, 2 ही लेने हैं। ये 2 ले लिए, और ये जो हमारा ये 2 हो गए हमारे इसके समेत। तो अब ये जो है ये वाला हॉल जो हमने चैन ली थी ये वाली, तो इसमें हमने अब 4 लेने हैं, 2 3 4, ये डबल क्रोशिया बुने हमने, और इसमें हमने फिर 2 लेने हैं, 1 2, और फिर ये चैन है जो 2 वाली, इसमें फिर 4 बुनने हैं। इस तरह से बुनते जाएंगे हम, 2 3 और ये 4, और फिर यहाँ 2 बुनेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ फिर हम स्लिपिंग स्टिच ले लेंगे, और फिर 3 चैन बनानी है हमें, 1 2 3। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 बनाने हैं, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हमारी होगी 2 चैन, तो फिर उसके बाद फिर एक छोड़ के फिर इसमें फिर हम 2, ये देखिए फिर 2 चैन, और फिर एक चैन छोड़ के दूसरी में इस तरह से 2 2 लेने हमने, 2 डबल क्रोशिए, 2 चैन, फिर एक छोड़ के हॉल दूसरे में इस तरह से, बस इस तरह से राउंड को पूरा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इसको हम स्लिपिंग स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। अब फिर 3 चैन लेंगे, 2 3, अब इसमें देखिए 2 एक बार और लेंगे डबल क्रोशिया, ये ले लिया हमने। अब जो ये वाला हॉल है हमारा, ये मोटे वाला, इसमें हमने 3 लेने हैं डबल क्रोशिए, 1 2 और ये 3, और इसमें हमने 2 लेने हैं, जो 2 है ना ये वाले, इसमें 2 ही लेने हैं। अब बस ऐसे हमने राउंड पूरा करना है, एक बार 2 और इसमें हमने 3 लेने हैं, ये जो चैन वाला हॉल है बड़ा, इसमें 3 लेने हैं, 3 2 और ये 3,
एक बार मैं बता देती हूँ, इसमें दो लेने हैं, दो बार डबल क्रोशिया और इसमें तीन, बस इस तरह हमने राउंड पूरा करना है। तो देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा, और यहाँ पे हम स्लिपिंग स्टिच के साथ इसको बंद कर देंगे। और अब हमने तीन चैन ले सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः चैन लेंगे हम। अब देखिए एक दो तीन, ये तीन जो हमारे डबल क्रोशिया है ये छोड़ के हमने यहाँ पे देखिए हाफ क्रोशिया से इस तरह बंद कर देंगे इसको। फिर हमने फिर तीन चैन छः चैन लेनी है, एक दो तीन चार पाँच छः। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन के बाद फिर इस तरह से बंद कर देंगे, फिर छः लेनी है, बस इस तरह हमने राउंड पूरा करना है। तीन चार पाँच छः और यहाँ तीन छोड़ के एक दो तीन, तो ये इस तरह से हमने ये राउंड पूरा करना है, ये चैन बनानी है। तो ये देखिए ये छः लास्ट में बचे, इसको हमने इसके सेंटर में लेना है, यही स्लिपिंग स्टिच ही लेना है इस तरह से, और सॉरी हाफ ये इस तरह से, फिर छः। अब सेम वही प्रोसीजर हमने छः वाला ही अपनाना है, और ये इसके सेंटर में देखिए ये वाला इस तरह से हाफ क्रोशिट, दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए इस तरह, और ये हमारी अब बनके तैयार हो जाएगी, इस तरह से आएगी ये। बस ये हमने दो ही रॉ बनानी है, अब आपकी मर्ज़ी आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो, और बस हमारी रॉ पूरी होके हमारी टिक्की बन जाएगी। तो मैंने 35 टिक्की बनाई है, और ये टेबल कवर बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब आप अगर बेडशीट वगैरह बना रहे हो तो अपने हिसाब से बना लेना कि कितनी बनानी है। तो मेरी 35 है, कोई मेरी ऊन पतली है, कोई एक जैसी ऊन बिल्कुल भी नहीं है ये, और बस इस तरह आपकी टिक्की बन जाएगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस अब करते हैं स्टार्ट, जोड़ना बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन का आप हिसाब करके बिछा लीजिए इस तरह से, और किसी चीज़ से टक कर लीजिए इनको। ये मेरी थोड़ी सी पहले जुड़ी हुई है ये, और अब मैं आपको जोड़ के बताती हूँ कैसे जोड़नी है ये। बस इस तरह से अरेंज करके पहले आप रख लीजिए, और किसी सुई या धागे से किसी से भी टक कर लीजिए आप इनको। जोड़ने के लिए हमारे पास ये 100 ग्राम ऊन होनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो एक ही है, दो डबल क्रोशिट यहाँ से लेने हैं, और फिर दो या तीन चैन लेनी है, फिर दो डबल क्रोशिट इधर से लेने हैं इस वाले से, फिर उसके बाद दो चैन लेनी है, फिर ये डबल क्रोशिट लेने हैं। बस इस तरह से हमने इसको जोड़ना है, दो चैन और दो डबल क्रोशिट, फिर इधर से भी सेम, बस इस तरह से हमने हर जाली में से इस तरह बुनना है। और जब ये लास्ट आ जाएगा, ये वाला राउंड है, तो यहाँ हम तीन चैन ले लेंगे दो डबल क्रोशिट के बाद, और फिर यहाँ पे हो सकता है हमें चार भी लेनी पड़ जाए, बस झोल नहीं आना चाहिए, बस ये देखना है आपने। तो इस तरह से आपने जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे हम, बस इस तरह से बिछाना है आपने, और इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने कैसे जोड़ना है। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। अब हम इस साइड वाले को जोड़ेंगे, जैसे हमने ये जोड़ लिया, अब इस साइड वाले को जोड़ेंगे, बस इस तरह हमने इसको इस तरह से जोड़ना है, बस झोल ना पड़े, ये देखिए, ये बस इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए यहाँ लास्ट पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए एक दो बता देती हूँ, ये देखिए इसमें से ये डबल दो क्रोशिए ले लिया हमने, डबल दो बार, तो अब हमने दो चैन लेनी है, एक ये दो, अब यहाँ वापस इसमें आना है, तो यहाँ हमने दो डबल क्रोशिए बनाने हैं, तो देखिए अब जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है यहाँ पे, अब तो हमने इसको बैलेंस करना है, नहीं तो यहाँ पे झोल पड़ेगा। अब हमने दो चैन ली थी अब तक, तो अब हम तीन भी ले सकते हैं, तो बस अब इसको यहाँ रखना है हमने बेड पे, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना इसमें झोल आ रहा है, कितना श्रिंक ना हो, बस ये एक दो तीन, तो अब ये हमारी कहाँ पे आएगी ये देखना है हमने। तो ये अब इसके साथ हम इस तरह करेंगे, देखिए ये आ गई यहाँ पे, सॉरी पहले हम इसमें करते हैं,
ये थोड़ा आपने अपने मन से भी देखना है कि यहाँ कितना झोल आ रहा है। तीन चैन आ गई और ये दो डबल क्रोशिए ये वाले, और फिर चैन लेंगे एक दो तीन। ये देखिए, ये देखना है हमने यहाँ पे। अब ये वाली चीज़ हमने कहाँ पे लेनी है, तो पहले हम इसको यहाँ करेंगे, इस पे जोड़ देंगे इसको, इसके ऊपर। तो इसमें से निकाल लेंगे ये, बस आपने अपने हिसाब से देखना है, बस हमें बैलेंस बनाना है इसका। अब एक दो, यहाँ हमें तीन चैन लेनी पड़ेंगी, तीन भी ले सकते हैं हम, चार भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको पकड़ेंगे ये इस तरह से, और अब फिर तीन चैन, एक दो तीन। अब इसमें से लेंगे हम, इसमें से निकालेंगे। अब एक इस बीच में से, ये आप एक दो जोड़ोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे जोड़नी है। अब इसमें से लेंगे हम, अब दो दो चैन ले लेंगे फिर दोबारा से, क्योंकि हमारा अब सेंटर पॉइंट से हम निकल चुके हैं, तो फिर दो चैन पे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा, इसको हम बाद में जोड़ेंगे इस वाली साइड को, तो अभी फ़िलहाल हम ये वाली जोड़ रहे हैं। तो ये आपने देखना है, ये धागे हम बाद में करेंगे इनको स्मूथ, तो बस इस तरह से जोड़ना है हमने, यहाँ तक ले आएंगे इसको, फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ के अब हमने ये टिक्की रख दी है, अब हम इसको यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे ये इस तरह से, ये इस तरह, बस इसी तरह आपने एक बार ज़मीन पे बिछानी ज़रूर है आपने, ताकि हमें पता चल जाए हमने कहाँ से लेना और कौन सा कलर। बस इनको थोड़ा सा टक लगा देना आपने, या सेफ्टी पिन से या धागे से, कैसे भी, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा कलर हमें कहाँ लगाना, नहीं तो हम बनाते टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ आपको इस तरह से। अब देखिए अब हमारा कहाँ आना चाहिए, ये यहाँ पे लेंगे हम यहाँ पे, ताकि ज़्यादा जाली ना आए। तो एक दो तीन, यहाँ पे लेंगे हम इसको इधर से, और फिर दो तीन, ये तीन हो गए। अब यहाँ से एक दो तीन, और ये देखिए इस तरह से जुड़ती चली जाएगी यहाँ से। अब हम यहाँ से लेंगे और इसको जॉइंट कर लेंगे आप, बस अब बराबर बराबर लेना, एक बार इसमें से और एक बार फाइट में से, एक बार पेट में से। अब दो दो पे आ जाएंगे हम, क्योंकि हमारे सेंटर वाला पॉइंट जुड़ चुका है। अब तीन नहीं लेंगे हम चैन, अब दो लेंगे। तो ये देखिए ऐसे जोड़ना है हमने। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये मेरे 8-9 साल पुरानी टिक्कियाँ हैं, ये बना के मैंने छोड़ दी थी, और फिर मैं आलस कर गई थी इनको कि क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था, आगे मेरे को बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो अगर आप अभी टिक्कियाँ बना रहे हो तो आप स्क्वेयर में बनाना, तो स्क्वेयर में क्या होता है, जोड़ने में बहुत आसानी होती है, राउंड में थोड़ी सी मुश्किल आती है, मुश्किल तो ज़्यादा नहीं आती पर आपकी इच्छा है वैसे, और स्क्वेयर में आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोशिश करना आप स्क्वेयर में बनाने की, मेरी बहुत पहली है ये। तो ये देखिए मैंने इस तरह जोड़ लिया है, हाँ बीच में देखिए मैं यहाँ से टक भूल गई हूँ ये, तो इधर से मैं दोबारा करूँगी क्रेशिए से। और हमें यहाँ पे छोटा सा फूल बनाना है, एक इतना ही सर्कल सा बनाना है,
वो हम यहाँ लगाएंगे, एक ही कलर के बनाएंगे सारे। तो अभी अब इसको क्या करना है हमने आगे, आप चाहो तो पूरे में आप ये बना सकते हो टिक्कियाँ, बट मेरी टिक्कियाँ बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना मेरा दिल कर रहा है। और अब मैं क्या करूँगी, इससे इसके राउंड राउंड दो दो इंच की अब पट्टी बनाऊँगी। तो यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ से पकड़ूँगी, देखो ये मेरा कॉर्नर है ये वाला, तो यहाँ से ही बनाऊंगी मैं। बनाऊंगी तो यहाँ देखिए ये मैं चार चार ले रही हूँ, चार एक चैन, फिर चार डबल क्रोशिए, बस झोलना आए देख लेना आप, दो तीन चार, बस इस तरह से, फिर एक चैन, इस तरह से बनाऊंगी इसको। तो हर इसमें चैन में चार डबल क्रोशिए, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके पास भी ऊन बची हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका हमने क्या करें, तो आप इस तरह बना सकते हो, क्योंकि ये डबल बेडशीट हैं या सिंगल बेडशीट, जो भी आप देखिए आपकी हिम्मत के ऊपर आप क्या बनाना चाहते हो। इनका फैशन कभी नहीं जाता, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, बल्कि अच्छे लगते हैं, ट्रेंडी लगते हैं ये, तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हम सालों से देखते आ रहे हैं, हमारी मम्मी वगैरह भी बनाते थे ये, तो इनका कभी फैशन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमें तो दहेज में ऐसी चीज़ें बना के दी जाती थी उस टाइम, पुराना ज़माना था। तो देखिए इस तरह से बनाना है हमने, इसके चारों तरफ बनाना है, और फिर आगे बताती हूँ आपको। कॉर्नर पर हमने कॉर्नर भी बताऊँगी आपको कैसे बनाना है। तो देखिए कॉर्नर पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने तीन लिए हैं, यहाँ चार चार लेते आ रहे थे, तीन लेंगे, फिर यहाँ हमने दो चैन ले ली और फिर तीन लेंगे इसी में ही, तो ये हमारे छः हो जाएंगे टोटल, ये हमने कॉर्नर करना है। फिर अगले में हम चार चार कर देंगे, जो हमारा अगली नेक्स्ट रो आएगी उसमें हम चार चार कर देंगे, इस तरह से हमारा कॉर्नर हो जाएगा। बाकी हम कंटिन्यू वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, तो बस ये कॉर्नर पर ध्यान देना है आपने, बाकी सेम ही है। तो ये फेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। तो अब क्या करना है हमने, यहाँ से हमने तीन चैन, थ्री, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया 12 टाइम, 12 बार, टू थ्री फोर, ये 12 टाइम हो गया, 12 बार। अब इसको हम इस तरह से खींच देंगे और यहाँ से लेंगे हम स्लिपिंग क्रोशिया, स्लिपिंग स्टिच सॉरी। तो अब तीन चैन, एक दो तीन, अब यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये हो गया। अब इसको सारा को इकट्ठा ले लेंगे इस तरह से, फिर एक चैन, उसके बाद चार चैन, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे ये देखिए इसी में हमने ये स्लिपिंग स्टिच लेना है। अब यहाँ से हमने ये स्लिपिंग स्टिच लेना है, ये हाफ क्रोशिया ले लिया स्लिपिंग स्टिच, ये हमने तीन टाइम लेना है। तो ये हाफ क्रोशिया भी ले सकते हो आप, टू एंड थ्री,
ये 3 टाइम हो गया, 3 टाइम। अब यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3, फिर सेम वैसे प्रोसीजर करना है हमने, एक डबल क्रोशिया वाला, 2 3, सॉरी 3, एंड ये 4, 4 टाइम। तो ये फिर एक चैन, उसके बाद 4 चैन और, 4, 1 2 3 तीन चार, फिर यहाँ इसी पे स्लिपिंग स्टिच इस तरह से। बस अब इसको नॉक कर लेंगे, ये तोड़ देंगे, इससे हमने सिलना है, और इसको यहाँ इस तरह लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फेस बन गया है। इसको आप बड़ा छोटा आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, और यहाँ बीड्स भी लगा सकते हो, बट ये हमने बेडशीट बना रहे हैं तो बीड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फेस बन गया। तो देखिए फेस मैंने सारे टक कर दिया सुई से इस पर, और ये देखिए कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। और अगर आप चाहो तो इसको बेडशीट भी बना सकते हो। बस ये कि मेरे 8-9 साल पुरानी टिक्कियाँ मेरे अब काम आ गई, और मैंने इसको जोड़ के एक मेरे कुछ बिछाने के लिए बन गया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी से, तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।